हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद रिद्धिमन। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं क्लास नाइन्थ, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। आपकी बुक है, ये नई वाली बुक है आपकी, और इसमें हमने चार चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। उनको बार बार रिवाइज करिए जिससे कि आपको वो याद हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 5। क्वेश्चन 1 देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये जो स्थापना है वो वर्धा में हुई 1919 में, विजय सिंह पथिक ने की और राम नारायण चौधरी और हरि भाई किंकर के योगदान से की। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। एक तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई, वर्धा में हुई, कब हुई, 1919 में, किसने की, विजय सिंह पथिक ने की, किसके सहयोग से, राम नारायण चौधरी और हरि भाई किंकर के योगदान से। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? तो जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि जो है वो लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया? तो वह थे महाराजा गंगा सिंह। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे बोल्शेविक कहा? ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे बोल्शेविक या विप्लववादी कहा? तो यह विजय सिंह पथिक को कहा। किसे कहा? विप्लववादी विजय सिंह पथिक को कहा। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1920 ईस्वी में की गई। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन 7 है, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो देखिए, स्थापना जो है जयपुर में की गई सबसे पहले प्रजामंडल की 1931 में, और इसने राजनीति में प्रवेश किया 1938 में। अब देखिए, जो प्रजामंडल का टॉपिक है ये आपको सभी बुक्स में अलग अलग, इसके जो सन है वो आपको अलग मिलेगी। ठीक है, चाहे आरबीएससी की आप बुक उठा लें, चाहे एनसीईआरटी की उठा लें, तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है, यहाँ पर जो सही आपकी सन है वही आपकी लिखी है, चाहे वो जयपुर प्रजामंडल हो, मारवाड़ प्रजामंडल हो, मेवाड़ प्रजामंडल हो। ठीक है, तो इसी को सही मानना है। 1931 में जयपुर में जो है सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना की गई। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो यह 1934 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1934 ईस्वी में हुई। कोटा में प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? कोटा में प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो यह 1939 ईस्वी में की गई। आपको 1938 मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि कोटा में प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? तो यह 1933 ईस्वी में बम्बई में की गई। जयपुर प्रजामंडल की सर्वप्रथम स्थापना जो है वो कब और किसके द्वारा की गई? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब की गई और किसके द्वारा की गई? तो 1931 ईस्वी में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना जयपुर में होती है, और कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा ये जो स्थापना है वो की गई। जयपुर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो स्थापना 1931 में जयपुर में हुई, उसके बाद दोबारा से जो इसकी स्थापना की गई 1936 में की गई जमनालाल बजाज के द्वारा। जयपुर प्रजामंडल स्थापना का उद्देश्य क्या था? जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था समाज सुधार करना और खादी का प्रचार करना। जयपुर प्रजामंडल में मुख्य महिला प्रचारक कौन थी? जयपुर प्रजामंडल में मुख्य महिला प्रचारक कौन थी? तो यहाँ दुर्गा देवी दत्त और जानकी देवी बजाज।
जमनालाल बजाज की जो पत्नी थी जानकी देवी बजाज, तो ये जयपुर प्रजामंडल में मुख्य महिला प्रचारक रहीं। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1931 में कांतीलाल के द्वारा और नित्यानंद के द्वारा जो है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 1931 में। बूंदी प्रजामंडल का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? बूंदी प्रजामंडल का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? तो 25 मार्च 1948 को बूंदी प्रजामंडल का राजस्थान संघ में विलय हुआ। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो स्थापना जो है 1934 में हुई जय नारायण व्यास के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो अध्यक्ष बने वो भंवर लाल सराफ बने। जो भी प्रजामंडल की स्थापना की गई तो अध्यक्षकर्ता जो है वो अलग थे और स्थापनकर्ता अलग थे, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो यह 1936 में मघाराम वैद्य के द्वारा की गई। और इसकी स्थापना जो कहाँ होती है? कोलकाता में होती है। 1936 में मघाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वह कहाँ होती है? कोलकाता में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1938 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का नाम जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है धौलपुर प्रजामंडल में। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है 1938 में हुई कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा, ठीक है। प्रजामंडल का जो टॉपिक है आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस, रीट, सभी जगह है आपका। तो एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो यह 24 अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई, ठीक है। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ वह उदयपुर में हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा स्थापन करता है मेवाड़ प्रजामंडल के और अध्यक्ष करता है बलवंत सिंह मेहता। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई? तो यह किशनलाल जोशी के द्वारा की गई, जो कि इम्पोर्टेंट नाम है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना में। और मास्टर आतेंद्र जो है वह भी इनके साथ थे। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1938 में ही रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास, इनके द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई। यहाँ पर रमेश चंद्र ओझा का नाम जो है वह महत्वपूर्ण है। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो कांतीलाल चौपानी के द्वारा और जमाल शाह के द्वारा 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो हरि नारायण शर्मा के द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई 1938 में, ठीक है। और इनके सहयोगी थे कुंज विहारी मोदी। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की जाती है 1939 ईस्वी में। करौली प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब की गई? 1939 में की गई त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। याद कैसे करना है? जो भी सन आपकी एक जैसी हैं 1939 में जो है किस किस प्रजामंडल की स्थापना होती है उनको आप सीक्वेंस में लिख लें, एक लाइन में लिख लें, ठीक है। 1931 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती है वो आप लिख लें, इस तरीके से आप इनको याद रख पाएंगे। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना जो है वो अभिन्न हरि और नयनू राम शर्मा के द्वारा की गई 1939 ईस्वी में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई?
सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1939 में ही की गई। गोकुल भाई भट्ट के सहयोग से जो है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, और इन्हें जो है राजस्थान के गांधी कहा जाता है। किसे? गोकुल भाई भट्ट को। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई? तो भंवर लाल निगम के द्वारा कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 1942 ईस्वी में। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना जो है की जाती है 1945 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी के द्वारा की जाती है। 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी के द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई? तो 1944 में भोगीलाल पांड्या, जिन्हें हम बागड़ के गांधी के नाम से जानते हैं, तो इसकी जो है स्थापना करते हैं। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल के द्वारा 1945 ईस्वी में ही की गई। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1946 में मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। तो आज हम यहीं तक करेंगे जहां पर प्रजामंडल की स्थापन करता, ठीक है, और कब स्थापना की गई, ये सब चीजें जो है वो आप याद रखेंगे, और जो यहाँ सन है इसी को आप सही मानेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।